नमस्ते एवरीवन, NISM रिसर्च एनालिस्ट सीरीज 15 के चैप्टर 3 पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। जब किसी भी बिजनेस या कंपनी को उसके ऑपरेशंस या एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टर से फंडिंग चाहिए होती है, तो वो कैपिटल रेज करने के लिए दो टाइप्स की सिक्योरिटीज इशू करती हैं। एंड ये दो सिक्योरिटीज हैं इक्विटीज एंड डेट। जहां इक्विटी कैपिटल कंपनी तब तक यूज कर सकती है जब तक उसको जरूरत है, वहीं उस कंपनी को डेट कैपिटल को एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद इन्वेस्टर्स को वापस करना जरूरी है। इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अपने फीचर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स इन दोनों में से एक कैटेगरी को सिलेक्ट करता है इन्वेस्ट करने के लिए। एक इक्विटी सिक्योरिटी रिस्की और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन डेट सिक्योरिटी एक लोअर रिस्क स्टेडी और इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी मार्केट। जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर सिक्योरिटीज मार्केट में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज के बारे में है, इसलिए पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो इक्विटी मार्केट में आमतौर पर यूज होती हैं। इसमें पहले नंबर पे है फेस वैल्यू। किसी भी शेयर की नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू कहा जाता है। एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स फेस वैल्यू पर या उससे कम या ज़्यादा पर इशू कर सकती है। अगर हम किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू को उसके नंबर ऑफ इशूड शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस कंपनी का इक्विटी कैपिटल आ जाता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ, तो इस केस में उसकी इक्विटी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। यूजुअली किसी भी शेयर की फेस वैल्यू तब तक सेम रहती है जब तक कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट या कंसोलिडेट ना करे। और फन फैक्ट ये है कि फेस वैल्यू बस एक मेट्रिक ही है। इसके बेसिस पे ना शेयर्स खरीदे जाते हैं और ना ही बेचे। एंड जब कंपनी क्रिएट होती है उस टाइम पे फेस वैल्यू डिसाइड किया जाता है। इंडियन कंपनीज जनरली फेस वैल्यू को 10 रुपए रखती हैं। इक्विटी मार्केट में दूसरी टर्म है बुक वैल्यू। किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू उसकी नेटवर्थ होती है, और अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर या BVPS पता करना है, तो ये वैल्यू आपको किसी कंपनी की नेटवर्थ को उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके मिल जाएगी। आसान भाषा में समझे तो बुक वैल्यू पर शेयर वो वैल्यू है जो प्राइस हर एक शेयर का होगा अगर कंपनी आज वाइंड अप कर जाती है तो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी की टोटल एसेट्स की वैल्यू है 6 लाख और उसकी लाइबिलिटीज हैं 3 लाख, और मान लो उस कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10,000, तो उस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर होगी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इस केस में हुआ 6 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, यानी ₹30 पर शेयर। अगली टर्म है मार्केट वैल्यू। एक शेयर की मार्केट प्राइस को ही उसकी मार्केट वैल्यू कहा जाता है। ये वो प्राइस है जिसपे शेयर्स को डेली खरीदा और बेचा जाता है। शेयर की मार्केट वैल्यू डेली, इनफैक्ट हर सेकंड भी चेंज होती रहती है। और किसी कंपनी की पूरी इक्विटी की वैल्यू को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड अगर हम किसी कंपनी का मार्केट कैप पता करना चाहते हों, तो करंट मार्केट प्राइस को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से बस मल्टीप्लाई ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 50 रुपए और उस कंपनी के 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें 50 को 10,000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, और हमारे पास 50 लाख का मार्केट कैप आ जाएगा। अब जानते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी को शुरू से एस्टैब्लिश करने में, उसके करंट मार्केट वैल्यू तक पहुंचाने में जो कॉस्ट लगेगी, उसको रिप्लेसमेंट वैल्यू कहा जाता है। इक्विटी मार्केट में नेक्स्ट टर्म है इंट्रिंसिक वैल्यू। पिछला कंसेप्ट जितना ही सिंपल था, इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू उस इन्वेस्टर को होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स की आज की डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर एक शेयर 1 साल बाद आपको 20% प्रॉफिट देने वाला है, और ये शेयर आज 1,000 रुपये का है, तो आज की डेट में उस शेयर को आप कितने पैसों में खरीदने के लिए रेडी हो, ये उस शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है। इंट्रिंसिक वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के काफ़ी तरीके हैं, एंड आप अपने खुद के मेथड्स भी डेवलप कर सकते हो। जो इन्वेस्टर इंट्रिंसिक वैल्यूएशन सही से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन जाते हैं।
जाते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का एस्टिमेट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड बोला जाएगा, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू का एस्टिमेट मार्केट वैल्यू से कम है तो स्टॉक को ओवर वैल्यूड कहा जाएगा। किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मेन गोल अंडर वैल्यूड शेयर्स को खरीदना एंड ओवर वैल्यूड शेयर्स को सेल करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बनाने में 2 करोड़ रुपए लग गए और वो कंपनी हर महीने 20 लाख का प्रॉफिट बनाती है, तो जब इस कंपनी को बेचना होगा तो उसको 2 करोड़ में तो ओनर बिल्कुल नहीं बेचेगा। इस कंपनी की वैल्यूएशन में कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू और प्रॉफिट पोटेंशियल भी कंसिडर किया जाएगा, एंड इसी चीज़ को इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाएगा। अब जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। वो अमाउंट जो एक कंपनी को कम्प्लीटली बाई आउट करने के लिए चाहिए उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और वो 20 रुपीज़ की करंट मार्केट वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंपनी की मार्केट कैप होगी 20 लाख। ट्रेडेड स्टॉक्स को मार्केट कैप के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और ये है लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगली टर्म है एंटरप्राइज वैल्यू। एक बिजनेस के लिए उसकी एंटरप्राइज वैल्यू उसकी सभी कैपिटल सोर्सेज से लेकर लगाई गई कैपिटल की टोटल वैल्यू होती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी की मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए है लेकिन उसके ऊपर 10 करोड़ का डेट है, तो उस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू होगी 60 करोड़ रुपए। अर्निंग्स, हिस्टोरिकल ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। किसी भी बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको अर्निंग्स कहा जाता है। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। हिस्टोरिकल अर्निंग्स का मतलब वो पैसा जो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कमाया है। ट्रेलिंग अर्निंग्स होती तो हिस्टोरिकल अर्निंग्स ही हैं, लेकिन इसमें टाइम पीरियड सिर्फ पिछले 4 क्वार्टर्स या 1 साल का लिया जाता है, और जो अर्निंग्स फ्यूचर प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखकर कैलकुलेट की जाती हैं उसको फॉरवर्ड अर्निंग्स कहते हैं। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर या EPS वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने हर एक शेयर के अगेंस्ट कमाया है। EPS कैलकुलेट करने का तरीका है कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना। हाई EPS का मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के अगेंस्ट हाई प्रॉफिट बनाकर दे रही है, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी का EPS हाई है तो उसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम ही है। सपोज एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपए का है और उस कंपनी के 4 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो इस केस में कंपनी की EPS वैल्यू होगी 20/4 यानी 5 रुपए। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिविडेंड पर शेयर मतलब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर कितना डिविडेंड देती है। सपोज एक कंपनी ने 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। ये फेस वैल्यू का कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस केस में डिविडेंड 40% दिया है और फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 10 का 40% हुआ 4 रुपए, तो इसका मतलब कंपनी ने हर शेयर के अगेंस्ट 4 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, PE रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या PE रेशियो मार्केट प्राइस की वो वैल्यू है जो इन्वेस्टर पे करने को तैयार है उसके अर्निंग्स के लिए। आसान भाषा में मैं समझाऊं तो इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टर उस कंपनी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने को तैयार है। सपोज एक कंपनी में ₹1 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 50 इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो इस कंपनी का PE रेशियो हुआ 50। बस ध्यान इस बात का रखने की जरूरत है कि ये प्रॉफिट कंपनी का है ना कि डायरेक्टली आपका। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने ₹50 इन्वेस्ट किए और ₹1 आपके बैंक में आ जाएंगे। आपका प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन या डिविडेंड से ही होगा। PE रेशियो बस एक वैल्यूएशन मेट्रिक है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक हाई PE रेशियो वाली कंपनी बेकार है और लो PE रेशियो वाली कंपनी अच्छी है। इसका डिसीजन तो प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। PE रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्केट प्राइस पर शेयर को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करना होता है। PE रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल पर PE रेशियो की डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो या PS रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कितना प्राइस पे करने को तैयार हैं हर 1 रुपए की सेल के लिए।
पीएस रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स पर शेयर। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक कंपनी की एनुअल नेट सेल्स 1 करोड़ रुपए की है एंड उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10 लाख और उसका करंट मार्केट प्राइस है ₹40, तो इस कंपनी का एनुअल नेट सेल्स पर शेयर होगा 1 करोड़ बाई 10 लाख यानी 10। तो इस केस में पीएस रेशियो होगा 40/10 यानी 4। एक लो पीएस रेशियो बताता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन एक बार फिर सिर्फ पीएस रेशियो के बेसिस पे कभी भी कोई बाय या सेल डिसीजन नहीं लिया जा सकता, बट दो सिमिलर स्टॉक्स को कंपेयर करने के लिए ये काफी यूजफुल मेट्रिक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो या P/BV रेशियो। किसी भी कंपनी के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कि जो बताता है कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू के रिलेटिव कितना है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब उस कंपनी के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हर कंपनी जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम होगी उसको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना समझा जाए। तो इसके लिए एक इन्वेस्टर के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के अलावा बाकी पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखें किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें मार्केट प्राइस शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस है ₹50 और उस कंपनी की बुक वैल्यू है 10, तो इस केस में प्राइस पीबी रेशियो होगा 5। पीबी रेशियो को सेम इंडस्ट्री में दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो ये बात हुई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स पे, और ये इंस्ट्रूमेंट उन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है जो कैपिटल रेज करते वक्त वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ वो इन्वेस्टर जो सिर्फ डिविडेंड्स एंड कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं और जिनको वोटिंग राइट्स से कोई मतलब नहीं है, वो इन शेयर्स को लेना पसंद करते हैं। DVRs हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग होते हैं और ये डिस्काउंटेड रेट पर भी अवेलेबल होते हैं। किसी भी कंपनी को DVRs इशू करने के लिए उसके पास पिछले 3 सालों में लगातार एटलीस्ट 10% डिविडेंड होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उस कंपनी में DVRs 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसके टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से। इस लाइन को आप रिवाइंड करके दोबारा सुन लो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब तक हमने बात की इक्विटी मार्केट और इसमें होने वाली टर्मिनोलॉजीज की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट मार्केट। पहले हम जानते हैं कि डेट मार्केट होती क्या है और फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, लेकिन ये सब आपको मिलेगा अगली वीडियो में। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो।